हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर इनामदार आयुर्वेद एकेडमी। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है, तो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मर्म शरीर का हमारा सीरीज चल रहा है और उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे मर्म शरीर के प्रकार। मर्म शरीर में आज हम रचना के अनुसार प्रकार देखेंगे और उसमें माउस मर्म के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। और हमेशा की तरह हमारा आज का लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लेंगे 4 मिनट चैलेंज। ठीक है, पूरे के पूरे 11 माउस मर्म हम लोग 4 मिनट के अंदर सीखेंगे और इस तरह से सीखेंगे कि आप लोग उसको फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रचना के अनुसार मर्म के प्रकार कितने होते हैं। 5 होते हैं, हम लोगों ने देखा है इससे पहले के सारे मर्म के लेक्चर। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे जाके देख ले पहले, क्योंकि उसमें हम लोगों ने पूरे मर्म के स्थान बताए हैं और उसके लिए हम लोगों ने डॉल को यूज किया है। डॉल के ऊपर हमने पूरे मार्क्स बनाकर सारे मर्म के स्थान देख लिए हैं। वो अगर आप लोग देख लोगे तो आज का लेक्चर आपको या आगे के सारे लेक्चर आपको इजीली समझ आएंगे। तो रचना के अनुसार मर्म के 5 प्रकार होते हैं, माउस मर्म, सिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म। नेक्स्ट उसमें हम फर्स्ट लेंगे माउस मर्म, और माउस मर्म के लिए जैसा कि मैंने बताया हम लोग लेंगे 4 मिनट चैलेंज। तो हम लोग सेट करेंगे टाइम और देखेंगे हम लोगों का माउस मर्म 4 मिनट में खत्म होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने टाइमर स्टार्ट किया, लेट्स स्टार्ट। माउस मर्म होते हैं 11, उसके अंदर 4 नाम है उनके और उनके संख्या के अनुसार वो 11 होते हैं। वो 4 कौन से हैं? इंद्रवस्ती, स्तनरोहित, तलहृदय और गुद। ये 4 मर्म हैं। और इंद्रवस्ती क्योंकि 4 होते हैं, स्तनरोहित 4 होते हैं, 2 होते हैं, तलहृदय 4 और गुद मर्म 1, इनको सबको टोटल मिला के बनते हैं वो 11 मर्म। इसके लिए हम लोगों को एक ट्रिक याद रखना है, इंदु रोहित तालाब में गुम। ठीक है, इंदु रोहित तालाब में गुम, इस ट्रिक को याद रख के हम लोग ये सारे मर्म सीखेंगे। सो इंदु मीन्स इंद्रवस्ती, रोहित मीन्स तनरोहित, तालाब मीन्स तलहृदय और गुम मीन्स गुद मर्म। ठीक है, ये 4 मर्म के नाम हो गए। फर्स्ट वाला इसको संख्या कितनी है कैसे याद रखेंगे? इंदु रोहित तालाब में गुम इसी सीक्वेंस में 4241। ठीक है, 4241, इंद्रवस्ती 4, स्तनरोहित 2, तलहृदय 4, गुदमर्म 1, 4241, ये हो गए इनकी संख्या। नेक्स्ट उनका प्रमाण कितना है, प्रमाण के अनुसार उनके प्रकार या प्रमाण उनके कितने हैं? फर्स्ट 3 जो मर्म है, इंद्रवस्ती, स्तनरोहित, तलहृदय, ये तीनों की तीनों हाफ अंगुल होते हैं, अर्ध अंगुली। इनका प्रमाण कितना है? अर्ध अंगुल। और जो गुदमर्म है वो 4 अंगुल है, याद रहेगा। इंदु रोहित तालाब इन तीनों के हिसाब से जो बनते हैं, इंद्रवस्ती, स्तनरोहित, तलहृदय, ये तीनों अर्ध अंगुल प्रमाण में है और सिर्फ गुद मर्म जो है वो 4 अंगुल का है। नेक्स्ट उनके परिणाम के अनुसार उनके प्रकार, फर्स्ट 3 मर्म कालांतर प्राणहर है, इंद्रवस्ती, स्तनरोहित, तलहृदय, ये तीनों मर्म कालांतर प्राणहर है और जो गुद मर्म है वो सिर्फ सद्य प्राणहर है। ठीक है, तीनों कालांतर प्राणहर मर्म के अंदर, इंद्रवस्ती, स्तनरोहित और तलहृदय, तीनों मर्मों के अंदर रक्तस्राव अधिक होने की वजह से कालांतर से मृत्यु होती है, दर्द होता है, पेनफुल होता है और रक्तस्राव अधिक होने की वजह से, रक्त क्षय और पेन की वजह से उनकी कालांतर से मृत्यु होती है। और गुद मर्म क्योंकि सद्य प्राणहर है तो शॉक में पेशेंट चला जाता है आघात की वजह से और सडन डेथ हो सकती है। ये इनके परिणाम के अकॉर्डिंग हो गए। नेक्स्ट इसमें इनके स्थान हम लोग एक बार बता देते हैं, हम लोग पहले बता चुके हैं, डिटेल में इनके स्थान समझा चुके हैं, आज सिर्फ हम शॉर्ट में बताऊंगी। इंद्रवस्ती मर्म होता है, दोनों हाथ में 2 इंद्रवस्ती मर्म होते हैं, मणिबंध संधि और कुरपर संधि के सेंटर में इंद्रवस्ती होता है, 2 हाथ के 2। और पैरों में वो होता है एडी से 13 अंगुल ऊपर, ये इस रीजन में एडी से हिल से 13 अंगुली ऊपर यहाँ पर इंद्रवस्ती। सो 2 हाथ के 2, 2 पैर के 2, ये 4 बन गए। नेक्स्ट है स्तनरोहित, निपल से 2 अंगुल ऊपर, दो साइड में 2, निपल से 2 अंगुल ऊपर स्तनरोहित मर्म होता है।
तल हृदय मर्म होता है मध्यम अंगुली से सीधा नीचे आते हुए हाथ के सेंटर में, मध्यम अंगुली से नीचे आते हुए हाथ के सेंटर में, और सेम उसी तरह पैर में भी मध्यम अंगुली से नीचे आते हुए दोनों तलों के सेंटर में, ये हो गए तल हृदय। और गुद मर्म मीन्स रेक्टम, ठीक है। तो हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली वांस मर्म की, आपको सिर्फ याद रखना है इंदु रोहित तालाब में गुम, इंद्रबस्ती स्तन रोहित तल हृदय गुद, ठीक है। उनका सारा इन्फॉर्मेशन हमने देखा, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी 4 मिनट कंप्लीट नहीं हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग 4 मिनट से भी पहले हम लोगों ने सारे मांस मर्म का इन्फॉर्मेशन देख लिया। और इस तरह से आप याद करोगे तो आपके सारे मर्म बहुत इजीली याद होंगे, और हम इसी तरह से सीखेंगे। हर मर्म को याद करने का और सीखने का एक एक ट्रिक हम बताएंगे, जिससे कि आपको मर्म बहुत इजीली समझ में आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आगे शेयर करो ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फायदा हो, और आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।